सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हजरत सईद बिन मुसैयब को ये फरमाते हुए सुना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रहमान यानी अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कुतरवाईं और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफेद बाल देखा। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफेदी को देखा तो अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये वकार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफे का बायस और इज्जत और वकार का जरिया है और इसकी वजह से लहू और लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तकाब से बाज रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वकार में इजाफा फरमा। मौजिस नाजरीन कराम, सर के पहले बाल का सफेद हो जाना इंसान के लिए मौत के बढ़ने और अल्लाह सुबहाना व ताला के सामने पेश होने के वक़्त के करीब हो जाने का सिग्नल होता है। लिहाजा अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की मर्जी से गुजारें, गुनाहों और नाफरमानियों से बाज आएं और आखरत बचाने की फिक्र करें।